सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु और आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे वफादार जानवर कौन सा है, तो आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, कुत्ते यानी डॉग्स। हाँ, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 10 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में 300 से भी ज्यादा कुत्तों की नस्ल पाए जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। नंबर 10, ग्रेट डेन। ग्रेट डेन एक बहुत ही बड़ा कुत्ता है। इस कुत्ते के कुत्ते ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कायम कर रखा है, जो कि सबसे बड़ा कुत्ता होने का रिकॉर्ड था, जो कि 44 इंच का था और उस कुत्ते का नाम जीसस था। अगर इस टाइप के कुत्तों के ट्रेनिंग अच्छी दी गई, ये कुत्ते बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि ये कुत्ते खतरनाक इस कारण होते हैं क्योंकि इनकी जो हाइट होती है उसके कारण ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। नंबर 9, बॉक्सर। बॉक्सर कुत्तों को बच्चे लोगों के साथ खेलना काफ़ी पसंद है। अगर इन कुत्तों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई तो यह एक अच्छे पालतू जानवर के रूप में और वफादार बन सकेंगे। ये कुत्ते दूसरे लोगों को देखते ही भौंकने लगते हैं और इन कुत्तों की जो वजन होती है वह 29 से 34 किलो के करीब होती है। नंबर 8, साइबेरियन हस्की। इनकी फोटो देखकर ही आप लोगों को लगने लगा होगा ये बर्फीले इलाके के कुत्ते हैं। हाँ, ये कुत्ते बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनका प्रयोग स्लेज यानी घोड़ा गाड़ी खींचने के रूप में प्रयोग होता है। ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक होते हैं और इनकी जो वजन होती है वो 20 से 27 केजी के लगभग होती है। नंबर 7, अलास्कन मैलाम्यूट। अलास्कन मैलाम्यूट भी एक बर्फीले कुत्ते हैं, जो कि हस्की की तरह घोड़ा गाड़ी खींचने में ही प्रयोग होते हैं। ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक और ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी जो वज़न होती है वह 29 से 45 किलो के करीब होती है और इनकी औसतम आयु 15 से 16 साल होती है। ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक होते हैं। आपके घर में कौन सा कुत्ता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कुत्ते होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के साथ साथ ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें घर पर भी लोग खुद से ट्रेन कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे कुत्ते माने जाते हैं। नंबर 5, डॉबरमैन पिंशर। डॉबरमैन पिंशर बहुत ही बुद्धिमान और अलर्ट डॉग है, इसीलिए इन्हें पुलिस के डॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर पुलिस के साथ ही रहते हैं और ये बहुत ही काफ़ी आक्रामक कुत्ते हैं। ये अपने दुश्मन को देखते ही उसे मार डालते हैं। पिछले साल अमेरिका में इन कुत्तों के काटने से 5 लोगों की मौत की खबर आई थी। नंबर 4, वुल्फ हाइब्रिड। ये कुत्ते नॉर्मल कुत्ते और वुल्फ यानी भेड़ियों के ब्रीड से बनी हुई कुत्ते हैं। ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक होते हैं, क्योंकि जो इनमें आधी % DNA होती है वो भेड़िए की होती है और इन्हें तो कई शहरों में पालने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड एक काफ़ी इंटेलिजेंट कुत्ता है, जिसे CID और CBI के लोग यूज़ करते हैं। ये कुत्ते काफ़ी वजनदार होते हैं। इन कुत्तों की जो वजन होती है वह 30 से 40 केजी के रूप में होती है। ये भारत में भी कई घरों में पाले जाते हैं। आपके घर में कौन सा कुत्ता है और आपके आस पड़ोस में कौन सा कुत्ता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर वैसे भारत में कुछ ही घरों में पाए जाते हैं, लेकिन ये कुत्ते अमेरिका और कनाडा साइड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये कुत्ते काफ़ी खतरनाक हैं। पिछले साल अमेरिका में इनके काटने से 12 लोगों की मौत की खबर आई थी। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल एक बहुत ही खूंखार और आक्रामक कुत्ता है, जिसे तो कई देशों में पालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक होते हैं। ये तो कभी कभी अपने मालिक को ही मार डालते हैं। 2013 में अमेरिका और कनाडा में इनके काटने से करीब करीब 18 लोगों की मौत की खबर आई थी। तो मैं आपको सलाह दूं कि इस कुत्ते को आप घर में ना ही पाले तो ठीक रहेगा। बोनस ऑफ टुडे।
कैंगाल शेपर्ड डॉग। ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक होते हैं और अगर हम इनकी तुलना सारे कुत्तों के मुकाबले करें तो ये सारे कुत्ते से सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी जो बाइट फोर्स होती है वो 743 PSI होती है। तो आप समझ ही चुके होंगे ये कितने खतरनाक कुत्ते हैं। इन कुत्तों को तो पिटबुल भी हरा नहीं सकता। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक्स।